नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। हाल में ही एक खबर सामने आई थी और ये कहा गया था कि अलवेश यादव को डांटने के बाद सलमान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अलवेश यादव को डांटने के बाद सलमान खान ट्रोल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर अलवेश के फैंस सलमान खान को ट्रोल कर रहे हैं। ये तो रही आम बातें, लेकिन अब सलमान खान की जान को खतरा है। जी हाँ, सलमान खान की जान को खतरा गोल्डी बराड से, जो कि लगातार धमकियां गोल्डी बराड दे रहा है। तो इसी बीच गोल्डी बराड ने अब अलवेश यादव को डांटने के खिलाफ अब सलमान खान पर एक्शन लेने की बात की है। यानी कि अब ये कहा जा रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है कि अलवेश यादव की वजह से क्या सलमान खान अब फंसने वाले हैं? क्या गोल्डी बराड अलवेश यादव के साथ मिलकर के, या अलवेश यादव के पूरे मामले में सलमान खान से सच में जो बदला है वो लेने वाला है? देखिए पूरी रिपोर्ट। बिग बॉस ओटीटी को दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाल में ही वीकेंड के वॉर में सलमान खान ने अलवेश यादव पर भड़कते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी, और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कई लोगों ने सलमान खान की तारीफ की, तो कई ने सलमान खान को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी में अब नाम सामने आ रहा है गोल्डी बराड का। जी हाँ, गोल्डी बराड ने अलवेश को सपोर्ट करते हुए सलमान खान को फिर से धमकी दे डाली है। गोल्डी बराड ने ट्वीट करके धमकी दी और ये ट्वीट वायरल भी हो गया। अलवेश के साथ बुरा बर्ताव हुआ है, गोल्डी बराड ने लिखा। आगे उसने ट्वीट में लिखा कि इसका बदला लेने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अलवेश भाई, तुम सिस्टम पे सिस्टम करते रहो और सलमान खान की जान तो मैं ही लूंगा। इस तरीके की बात दोबारा से यहाँ गोल्डी बराड ने की है। सवाल ये उठता है कि आखिर अलवेश के सपोर्ट में गोल्डी बराड क्यों उतर आया? क्या अलवेश यादव का गोल्डी बराड के साथ कोई रिश्ता है? क्या अलवेश यादव गोल्डी बराड का कोई मोहरा है? ये तमाम बातें जो हैं वो अब सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं सलमान खान के लिए और सलमान खान के फैंस के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो रही है। फिलहाल गोल्डी बराड की ओर से लगातार सलमान खान को धमकियां जो हैं वो मिल रही हैं, और साथ ही सलमान खान की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। लेकिन पंजाबी सिंगर के साथ हुई घटना के बाद सलमान खान के पास जितनी भी सिक्योरिटी हो, लेकिन फिर भी सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर गोल्डी बराड से किस तरीके से सलमान खान की सुरक्षा की जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी उस समय पंजाबी सिंगर के पास भी थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई नहीं बचा सका। ऐसे में सलमान खान को मिल रही बार बार धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइव।